पोएट स्पेस पे यह मेरा पहला परफॉर्म है और मैं प्रॉपर भरतपुर से हूँ रहने वाला और वहाँ से मैं यहाँ परफॉर्म करने आया हूँ। तो और मैं जब भी कोई भी चीज़ सुनाने जाता हूँ तो सबसे पहले माँ से स्टार्ट करता हूँ और आज भी मैं माँ से ही स्टार्ट करूँगा, तो साथ दीजिएगा। मेरी मौत को मैंने करीब से देखा है, मेरी मौत को मैंने करीब से देखा है, मेरी माँ को मैंने उससे लड़ते देखा है। और लौट गई मेरी मौत भी यह कहकर, और लौट गई मेरी मौत भी यह कहकर कि माफ कर मेरी माँ जो मैंने तेरे बेटे को देखा है। तू साथ हो मेरे, ये भी माँ के ऊपर है, तुम साथ हो मेरे तो मुझे कोई डर नहीं माँ, तुम साथ हो मेरे तो मुझे कोई फिक्र नहीं माँ। और जब तेरे आंचल की छांव है मेरे सर पर, और जब तक तेरे आंचल की छांव है मेरे सर पर, मुझे मेरी मौत से भी जरा भी डर नहीं माँ। मुझे परवाह नहीं इस दुनिया की माँ, जब तक तू मेरे साथ है, तेरी इन दुआओं में माँ कुछ तो खास बात है। और मिटा सके कोई वजूद मेरा, और मिटा सके कोई वजूद मेरा, माँ किसकी ये औकात है, मुझे परवाह नहीं इस दुनिया की माँ, जब तक तेरा साथ है। ये माँ के लिए था। और दो लाइन पापा के ऊपर सुनाऊंगा। अनजानी राहों पर मैं अजनबी सा, अनजानी राहों पर मैं अजनबी सा जा रहा था, अनजानी राहों पर मैं अजनबी सा जा रहा था, मेरे साथ एक परछाई का साया आ रहा था। ठोकर लगी मुझे संभाला गया, ठोकर लगी मुझे संभाला गया, उस वक्त मेरे पापा का चेहरा मुझे नजर आ रहा था। थैंक यू। और इसके बाद मैं अपनी पोएट्री स्टार्ट करूंगा, जिसका शीर्षक है बचपन, जो पहले भाई ने याद दिला दिया था, फिर दोबारा प्यार में आ गए, फिर से बचपन पे आ जाओ। वो बचपन की यादें बड़ी सस्ती हुआ करती थी, वो बचपन की यादें बड़ी सस्ती हुआ करती थी, वो गर्मियों की धूप में कितनी मस्ती हुआ करती थी। वो सुबह का जाना शाम को आना, वो सुबह का जाना शाम को आना, पता ही ना था कि गम भी कोई चीज हुआ करती थी। वो बचपन की यादें बड़ी सस्ती हुआ करती थी, दुखों के दरवाजे काफी दूर थे हमसे, दुखों के दरवाजे काफी दूर थे हमसे, और उन दिनों की मुस्कुराहट कितनी सच्ची हुआ करती थी, वो बचपन की यादें बड़ी सस्ती हुआ करती थी। बचपन में लड़ना झगड़ना, बचपन में लड़ना झगड़ना, फिर से हंसकर जीना, बचपन में लड़ना झगड़ना, फिर से हंसकर जीना, और बचपन की जिंदगी में ख्वाहिशें कितनी हुआ करती थी कि मुझे ये करना है वो करना है, होता है ना ऐसा। तो बचपन की जिंदगी में ख्वाहिशें कितनी हुआ करती थी, वो बचपन की यादें कितनी सस्ती हुआ करती थी। ना कोई जाति थी ना कोई धर्म था, ना कोई जाति थी ना कोई धर्म था, साथ में रहना यही अपना कर्म था। ना कोई जाति थी ना कोई धर्म था, साथ में रहना यही अपना कर्म था। ना कोई मैं, ना कोई मैं और ना कोई तू था, साथ में खेलना यही अपना उसूल था। उन उसूलों को तोड़ने में भी कितनी मस्ती हुआ करती थी, वो बचपन की यादें कितनी सस्ती हुआ करती थी। मासूम से चेहरे पर बस खिलखिलाहट ही हुआ करती थी, मासूम से चेहरे पर बस खिलखिलाहट ही हुआ करती थी, वो बचपन की यादें कितनी सस्ती हुआ करती थी, वो बचपन की यादें कितनी सस्ती हुआ करती थी। थैंक यू। और यहाँ चाय तो सब पीते होंगे, यहाँ सब पी, तो दो लाइन चाय के ऊपर। और ये चाय मैंने रिलेट किया उससे जो अब तक है ही नहीं। माना कि मेरी पहली मोहब्बत चाय है, माना कि मेरी पहली मोहब्बत चाय है, मगर तुम उससे कम थोड़ी हो। माना कि मेरी पहली मोहब्बत चाय है, मगर तुम उससे कम थोड़ी हो। माना इश्क बेपनाह है तुमसे, माना इश्क बेपनाह है तुमसे, मगर इस इश्क से नशा हो, मगर इस इश्क से नशा हो, तो मोहब्बत हो मेरी जान कोई रम थोड़ी हो। थैंक यू, थैंक यू।
अपने दिल में एक दर्द छुपाए बैठे हैं, अपने दिल में एक दर्द छुपाए बैठे हैं, बड़े अरसों से एक आस लगाए बैठे हैं। अपने दिल में एक दर्द छुपाए बैठे हैं, बड़े अरसों से एक आस लगाए बैठे हैं। दर्दों के अल्फाजों का एक समुंदर बनाया है हमने, दर्दों के अल्फाजों से एक समुंदर बनाया है हमने। तुम आओगे उस समुंदर किनारे, तुम आओगे उस समुंदर किनारे, बस यही आस लगाए बैठे हैं। और दो लाइनों की शायरी से फिर मैं जगह लूंगा अपनी। मैं कोई शायर तो नहीं बस गम ए दिल बयां करता हूँ, मैं कोई शायर तो नहीं बस गम ए दिल बयां करता हूँ। बता तो सकता नहीं तुम्हें इसलिए अल्फाज लिख लिया करता हूँ। और अश्क ना बहें तुम्हारे मेरे लिए, और अश्क ना बहें तुम्हारे मेरे लिए, इसलिए शायरी बना दिया करता हूँ। शुक्रिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर तो आप कर ही देंगे। पोएट स्पेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऊपर आ रहे दो वीडियो जरूर देख के जाए। थैंक यू।